गाजियाबाद में आम आदमी पार्टी के दिल्ली से विधायक अमानतुल्ला खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। गाजियाबाद निवासी एक शख्स की तहरीर पर ये मुकदमा दर्ज कराया गया है। आरोप है कि विधायक ने अपनी सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा पोस्ट किया है जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है। पुलिस के मुताबिक पूरे मामले की जांच चल रही है और आगे मिलने वाले सबूतों पर कार्रवाई होगी। वहीं हरिओम पांडे नाम के जिस शख्स ने यह मुकदमा दर्ज करवाया है उसके मुताबिक विधायक की जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? आज आपने गाजियाबाद के कोतवाली में FIR दर्ज कराई है और विधायक के खिलाफ। FIR का कारण क्या है और क्यों FIR दर्ज कराई हुई है? मेरा नाम हरिओम पांडे है। मैंने ओखला विधायक आम आदमी पार्टी अमानतुल्ला खान के नाम मुकदमा दर्ज कराया है। मुकदमा दर्ज कराने का कारण यह है कि उन्होंने युवाओं को बरगलाने का काम किया, 5 लाख रुपए देने का और नौकरी सरकारी नौकरी वक्फ बोर्ड में दिल्ली में देने का वादा किया जिससे कि वो हिंसक प्रदर्शन करें, जो भी घायल होंगे उन्हें 5 लाख रुपए सरकारी नौकरी देंगे, जिस कारण से दिल्ली में और NCR में, गाजियाबाद NCR से जुड़ा हुआ है, दिल्ली से जुड़ा हुआ है। तो सर FIR दर्ज हुई है आम आदमी पार्टी के विधायक के खिलाफ, क्या है पूरा मामला और किन धाराओं में किस वजह से मुकदमा दर्ज हुआ है? देखिए, कल रात्रि में स्थानीय व्यक्ति द्वारा थाना कोतवाली नगर में एक FIR दर्ज कराई गई थी जिसमें ये आरोप लगाया गया था कि दिल्ली के आप पार्टी के विधायक श्री अमानतुल्ला खान द्वारा अपनी सोशल मीडिया पर